शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? नोनी, अरे मेरी बरिया हेयर इज द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को आगे ऐड कर दूंगा वीडियो में, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। दिस इज यू आर वॉचिंग क्रेजी मेडिक्स। आज फाइनली वो दिन है जिसके लिए स्टूडेंट पूरा ईयर अपना मेहनत करता है, लाखों खर्च करता है, लाखों बच्चे अपना घर छोड़ करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं इस सपना को लेकर के कि एक दिन वो नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे एंड ही विल बी अ डॉक्टर। अपने नाम के पीछे डॉक्टर का टैग लगाने के लिए लाखों बच्चे, हर साल लाखों करोड़ों का बिजनेस चलता है इस चीज़ को लेकर के। तो फाइनली आज वो दिन है, आज 13 सितंबर है, यानी नीट का पेपर हो रहा है कोविड के टाइम में। यूजुअली मेरा मतलब जब से मैं नीट में आया हूँ तब से मेरे को हर बार ऐसा होता है कि हर साल जब जब मेरे को पेपर होता है तो मेरा एक महीना पहले नींद उड़ जाता है। इस साल भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, जबकि मेरा डिप्रेशन वाला सिस्टम भी चल ही रहा था अभी, तो मेरे को पर्सनली पिल्स वगैरह लेना पड़ा सोने के लिए। अभी भी मेरे को नींद नहीं आया, आज पूरी रात में सो नहीं पाया, मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा भारी हो गया, आँख भी पफी हो चुका है। ये मेरा सिचुएशन तब है जब मैंने कि बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर प्रिपरेशन करा है। सोचो जो बच्चा प्रिपरेशन करता होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी नेगेटिविटी, मैं बस रियलिटी बता रहा हूँ कि चीज़ें कई बार सीरियस और डिफरेंट हो जाती हैं, कई बार एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चली जाती हैं चीज़ें। सो यस, आज 13 सितंबर है और आज ही है पेपर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि पेपर सही जाए। हालांकि मैंने पूरा साल तो मैं बीमारी था, लास्ट ईयर अगस्त में मैं कोटा छोड़ दिया था, उसके बाद से मैं घर पे ही रह रहा था ना, मेरे ट्रीटमेंट ही चल रहा था। मैंने उसके बाद कोई बुक ना छुआ, नहीं छुआ, ना ही कोई थ्योरी पढ़ा मैंने, ना ही कोई क्वेश्चन किया। सो इन दैट सेंस मेरा प्रिपरेशन काफ़ी वीक है, बट स्टिल अंदर से इमोशंस था, मोटिवेशन था कि नहीं पेपर भरना है, देखना है, क्वेश्चन करना है, जैसा भी होगा करना है। सो मैंने पेपर फिल कर दिया। जब प्रिपरेशन वीक है तो नंबर मार्क्स भी तो वीक ही आएगा, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स गिव अस आवर सेल्फ अ चांस। सो या अभी मैं हूँ अपने डेरा पे जहाँ पे मैं रह रहा था, सर के डेरा पे। सो अभी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर ये मस्ट कर दिया गया है NTA के गाइडलाइन के अनुसार। सो मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर मेरे को लेके जाना है वहाँ पे सेंटर पे। उसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो ले लीजिए, और एडमिट कार्ड तो मस्ट है ही। सो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो है कि मस्ट है, और टी शर्ट्स वगैरह जो भी रूल है सब तो सबको पता ही चल ही गया होगा, सबने देख ही लिया होगा। नाउ लेट्स सी कि सेंटर पे चलेंगे, पेपर को देखते हैं कैसा पेपर जाता है, एंड देन आई विल बी बैक विथ यू कि पेपर कैसा जाता है। इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं वाकई सेंटर पे भी कुछ करूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। फिर से नीट का एडमिट कार्ड ये रहा, एंड आई एम रेडी टू गो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब सही हो। और ग्लव्स नहीं लिया हूँ, ग्लव्स खरीदना पड़ेगा अभी, और मास्क वगैरह सब कुछ है शुरू करते हैं। ओके, सो फाइनली आई कैन नाउ रिमूव माय मास्क, क्योंकि अब पेपर ख़त्म हो गया हमारा। मेरे को ट्रैफिक को स्किप करने के लिए मैं सेंटर से दूर निकल करके यहाँ आ करके मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाहता तो वहाँ भी बात कर सकता था आपसे। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो मैं पहले घर जाता हूँ, फिर मैं पेपर के बारे में बेसिक बात करूँगा, एंड क्वेश्चन पेपर भी मैं इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूँगा। अरसे से मेरा विश था कि मेरे साथ कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियन आए जो कि मतलब पेपर दिलवाने के लिए, जैसे देखता था कि बाहर सारे बच्चे के साथ पेरेंट्स आते थे पेपर दिलवाने के लिए, तो मेरे साथ फाइनली सर आए हुए हैं गार्जियन के रूप में। काफ़ी खुशी हुआ मेरे को, कोई पेरेंट्स थे कम से कम मेरे साथ इस बार।
तीन साल से मैं पेपर देता था, कभी मेरे साथ कोई पेरेंट्स नहीं रहते, हर किसी को देता था कि पेरेंट्स रहते हैं साथ में, तो मैं सोचता था कि मेरे साथ कभी कोई पेरेंट्स रहेंगे। चलो फिर ज़्यादा बातें करेंगे घर पर पहुँच के, अभी यहाँ पर ट्रैफिक है तो निकलते हैं यहाँ से। Here we go. Finally, I'm back home. Oh fuck. Okay, finally I'm back home. काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो था। सो दिस इज क्वेश्चन। इस साल थोड़ा सा सिस्टम बदल गया कि वो लोग एडमिट कार्ड रख लिए अपने पास। कार्बन पेपर था जो कि आंसर शीट से जुड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों आंसर शीट वो भी रख लिया। हर साल BHU में ऑफलाइन पेपर में वो ब्लैंक पेपर, वो कार्बन पेपर मिलता था, वो भी रख लिया वो लोग। हेयर इज़ द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को आगे ऐड कर दूंगा वीडियो में, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी मार्क्स आएगा आई डोंट केयर, मुझे खुशी है कि मैंने पेपर अटैम्प्ट किया, एटलीस्ट पेपर में बैठा मैं, क्योंकि मुझे पता था कि परफॉर्मेंस का तो मुझे पहले से ही पता था और अभी भी पहले ही पता है कि मेरे को क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। मैंने 95 मैंने बेसिकली नेगेटिव मार्किंग से मैं काफ़ी बचा हूँ, एंड वेन एवर यू ऑल्सो ट्राई द पेपर, आपको भी नेगेटिव मार्किंग से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इंसान को हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव जाना चाहिए, नेगेटिव में कभी नहीं जाना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू गो पॉजिटिव एंड स्किप योर नेगेटिविटी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। नाउ सर जो सर गए थे मेरे साथ, मैं उनके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके बिना ये पेपर संभव हो पाता, क्योंकि जो जितना डिस्टेंस ये था 40 किलोमीटर, ना वहाँ पे बस जाती थी ना ऑटो जाता था, ट्रेन से भी जाना संभव नहीं था। अगर मैं ट्रेन से स्टेशन पहुँच भी जाता तो वहाँ से नहीं जा पाता, तो मैं सर के लिए काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद थैंकफुल हूँ, सर ने काफ़ी दिल से मदद किया। ओके, सो मैं अभी क्वेश्चन पेपर को आगे एडअप कर दूँगा और वीडियो को यहीं पेंट करता है। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। बाय। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे मैं आपको ये वाला क्रेडिट शूटर करके मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, मैं इसका आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। सो आप क्वेश्चन आंसर दोनों देख सकते हो वहाँ से। सो यस, दैट्स इट। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार है? यस सर। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस सर। कमांडर्स, हु आर वी? इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश?